कि अब चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रहेंगे, कुछ महीने बाकी रहेंगे, एक सेशन अभी आखिरी सेशन होगा, तो चलो लाओ एक कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ। इससे इतनी बात तो समझ में आ गई कि राम मंदिर का मुद्दा चुनावी है और असल चिंता 2019 की जमीन बचाने की है। वरना इसकी वजह क्या है कि चार साल तक शिवसेना ने राम मंदिर पर एक शब्द नहीं कहा, चार साल तक वीएचपी ने मंदिर पर एक शब्द नहीं कहा, चार साल तक बीजेपी ने मंदिर पर एक शब्द नहीं कहा, चार साल तक बजरंग दल ने मंदिर पर एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब शिवसेना बीजेपी पर बढ़त बनाना चाहती है और बढ़त भी ऐसी कि बीजेपी कटघरे में खड़ी नजर आए, इसलिए उद्धव ने सरकार में साझेदार होने की दुविधा को ताक पर रखते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। जब आप कैंपेन कर रहे थे, यानी कि बीजेपी की सरकार है, तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान के दायरे में हर संभावनाओं की तलाश की जाएगी, तो पिछले चार साल कितनी संभावनाओं की तलाश की गई और क्या आपको एक भी संभावना ऐसी नहीं मिली कि उस संभावना को लेकर मंदिर का निर्माण किया जाए। दरअसल जब से शिवसेना ने राम का राग छेड़ा है, राम मंदिर के लिए बेसब्र योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोलते, गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोलते, उमा भारती को भी काट मार गया है। सियासत ने सबकी जुबानों को सब्र का शहद चटा दिया है, वरना क्या क्या नहीं बोलते। 125 करोड़ हिंदुओं को हिंदू का अपमान बर्दाश्त नहीं, सब्र की सीमा अब टूटने वाला है, ये टूटेगा तो उस बाढ़ की तरह होगा कि फिर जो लीला होगी उस लीला को कोई देख करके वर्णन नहीं। अब जब शिवसेना ने अपनी बेसब्री दिखाई तो बीजेपी के सारे महंत और मठाधीश मौन हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीधे प्रधानमंत्री पर बाण छोड़कर उन्हें विचलित कर दिया था। मोदी अलवर में थे, राम मंदिर का पत्थर उनके कंधे पर बोझ हो गया था, फौरन उसे उतार कर कांग्रेस के कंधे पर रख दिया। जब अयोध्या का केस चल रहा था, कांग्रेस के नेता राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक केस मत चलाओ क्योंकि 2019 तक कहीं चुनाव है। क्या भाइयों बहनों, देश के न्याय तंत्र को इस प्रकार से राजनीति में घसीटना उचित है क्या? दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।